गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सचिन ब्लॉग छछुगम। आज हम आए हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क, जो कि आज पूरा आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। बाकी जो भी दिखेंगे वो सब आपको दिखाएंगे। Thank you.
सच्ची बात बोलूँ, सिंगल होने में बहुत मजा आया, मजा आ गया। कुछ गार्डन जो कि बहुत ही मस्त दिख रहे हैं। ये रहा अम्बेडकर पार्क का कुछ साइड से नज़ारा। मुझे बढ़िया ये बात है, कैमरा नहीं मोबाइल नहीं मना, कैमरा नहीं मना होता है, कैमरा कहाँ मना कर रहा है मतलब। तो सही बोला कि कैमरा के फोटो लोग कैमरा में मतलब फोटो देख देखे ना आई। फाइनली आज हम आ ही गए अम्बेडकर पार्क में। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हम चलें अम्बेडकर पार्क, चलें ब्लॉगिंग करने चलें। आज कुछ वर्क था तो आए, तो इसी बहाने घूम भी लिए। अब मिलते हैं आके आप लोगों से। देख सकते हैं हमारे पीछे जो पूरा गार्डन गार्डन है, जाने का रास्ता ढूंढे। आगे भी चलें, आगे भी आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। मेरा पीछे कुछ मेरा छोटी छोटी गार्डन। हम इधर से अब आगे चलते हैं, बुआ जी का स्टैचू था सामने, देखते हैं। शाम को घूमने में ना सफेद हमें अच्छा लगता है, शाम को, शाम के टाइम, इस टाइम तब भी कुछ इस प्रकार दिखते हैं। हम तो भाई जा रहे हैं, थक गए यार। डॉक्टर भी सामाजिक परिवर्तन गैलरी, ये गैलरी हमको समझ में नहीं आया, हम देखे भी नहीं इधर जाके। मेरा कुछ चलते हैं और आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे पूरा अंबेडकर पार्क का नज़ारा। ये रहा कुछ अंबेडकर पार्क इस तरफ का। फाइनली बहुत दिनों से वेटिंग था हमारा कि हम आए अंबेडकर पार्क, आए घूमें, ब्लॉगिंग करके जाएं, लेकिन आज सपना पूरा ही हो गया। सपना सपना न रहा, सपना पूरा हो गया। इस समय टाइम हो रहा है 4:02, जो कि मतलब इसी टाइम से हल्का हल्का मौसम चेंज होने लगा है। ठंडी का मौसम है भाई, ठंड भी हल्का हल्का लग ही रहा है। हम तो बाकायदे कोट टोट पहन के आए हैं, ठंडी से बचना है भाई। आगे है सब स्टैचू का आज आप लोगों को दिखाएंगे हम करीब करीब से। ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, बस मतलब जितना देखेंगे उतना आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। फाइनली हमने प्लानिंग कर लिया, पीछे ना जाके डायरेक्ट आगे चलते हैं वहाँ, जो कि वहाँ किले से कुछ अच्छा व्यू आएगा, इसलिए डायरेक्टली चलते हैं हम वहाँ। वहाँ से देखेंगे भाई कुछ अच्छा हमको लग रहा है, कुछ वहाँ से अच्छा दिखेगा, चलते हैं डायरेक्टली वहाँ पर ही। हम सिंगल हैं, हमारे पार्टनर लोग सुबह से ही घूम रहे थे, मॉर्निंग में से। मॉर्निंग में हमारा एग्ज़ाम था तो हम चले गए अपना एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दे के उसके बाद पूरा मतलब एकदम हम तो थक चुके थे, वो लोग घूमते घूमते थक चुके हैं। तभी भाई ब्लॉगिंग करना है तो चले, बोलेंगे चलो भाई थोड़ा वीडियो भी बना लें, पछतावा ना रहे भाई कि हाँ आए थे तो वीडियो बना के नहीं गए, यूट्यूब पे नहीं डाले। इसलिए सोचे कि वीडियो भी बना लें, सब काम हो जाए। चलते हैं आगे दिखाते हैं। और फाइनली हम घूमते घूमते आ गए इधर स्टैचू पास, जो कि इधर बुआ जी का स्टैचू लगा है, इधर बाबा साहेब ये पता नहीं कौन मतलब स्टैचू लगा है,
स्टैचू अब आप लोगों को सब दिखाएंगे एकदम पूरा पास से। चलते हैं फाइनली पहले बुआ जी के पास। सच्ची बताएं सिंगल घूमने में ना बहुत मजा आता है, बहुत मजा। तो सिंगल है, नो टेंशन, कोई नहीं बोलेगा कि भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, भाई हमारा फ़ोटो खींच दो, भाई हमारा फ़ोटो खींच दो, कोई नहीं बोलेगा। उस टाइम खाली है, सिंगल है, जो मर्जी लो कर सकते हैं। फाइनली हम बुआ जी के स्टेचू के पास चले आए, मेरा बुआ जी का स्टेचू पीछे। फाइनली अब इधर घूम ली, सब कोई उधर से जाता है, इधर साइड से हम एकदम क्लोज से जा रहे हैं, क्लोजली। भाई कभी कभी लाइट अप डाउन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, देख सकते हैं पूरा का पूरा, मतलब बहुत बड़ा ही स्टैचू है चारों तरफ। आगे देखते हैं अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, उनका स्टैचू है पीछे हमारे। हम पीछे आके फंस गए, उधर कोई रास्ता ही नहीं था, अब पूरा आगे जाना पड़ेगा वहाँ से साइड से। अब आगे से पूरा अराउंड करके उसके बाद जाएंगे, उधर हम घूमने में चले गए, जाके फंस गए, उधर उतरने का रास्ता ही नहीं था, इतना इधर गड्ढा कौन जाएगा कूदेंगे। आगे देखते हैं। फाइनली अब हम उस किले तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पैर में दर्द हो चुका है, जा रहे हैं फिर भूख लग गया है, कुछ खाने का मन कर रहा है, शाम को खाएं, सुबह का खाए हैं, शाम हो गया, जाएंगे तो कुछ खाएंगे, जा रहे हैं अब होटल में, इस टाइम खाएंगे तब एनर्जी मिलेगी। आगे देखेंगे फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे तो पूरा ब्लॉगिंग कर लेंगे वहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब पूरा एक एक चीज़ वहाँ तक नहीं गए, इसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर कभी आएंगे।